प्रणाम टुडे समाचार में अपने के स्वागत है छम ज्योति शुरू करी सोम दिन 7425 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी समाचार स नेपाल में सोम दिन थप 7425 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छ देश भर कयल गेल 19846 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 7220 आ 607 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 205 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि ऐ संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 5,20,461 पहुँचल अछि तहिना कोरोना के कारण थप 185 गोटे के मृत्यु भेल अछि हाल धरि नेपाल में 6531 कोरोना के कारण मृत्यु भेल मंत्रालय जनौनी अछि तहिना थप 7135 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि नेपाल में हाल धरि 3,98,483 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि हाल नेपाल में 1,15,447 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 924 गोटे क्वारंटाइन में छथि तो हाल धरि 29,36,314 पीसीआर परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जानकारी कोरोना संक्रमण के दोसर वेरिएंट के गति आक्रामक रूप में फैलाक बाद स्थानीय प्रशासन धनुषा में तेसर बेर निषेधाज्ञाक समय अवधि पुनः 7 दिन के लेल बढ़ौनी अछि जिला संकट व्यवस्थापन समिति के सोम दिन बैसक आगामी जेठ 17 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा के जारी राखल जेबाक निर्णय कयल गेल अछि कोरोना संक्रमण के फैलावट रोक आगामी जेठ 17 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा के निरंतरता देल जायत निर्णय भेल प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला जानकारी देलनि धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी वास्तोला प्रदेश दू में धनुषा जिला में संक्रमण के गति दोसर स्थान में पहुंचल आ समुदाय स्तर में कोरोना फैला से जिला भर निषेधाज्ञा थपल गेल जानकारी देलनि प्रजिया वास्तोला कोरोना संक्रमण के प्रभावकारी रोकथाम तथा नियंत्रण आ अय के संक्रमण नहीं फैल देबाक लेल जिला भर प्रतिकूल प्रभाव पर सकबाक कोनो किस्म के गतिविधि होब आ कर नहीं देब नेपाल राजपत्र में तोकल गेल अत्यावश्यक सेवा सब बाहे के अन्य सब सेवा स्थल सब पुनः 7 दिन धरि के लेल संक्रमक रोग N2020 के दफा 2 आ स्थानीय प्रशासन N2028 के दफा 6 के उप दफा 3 बमोजिम जिला COVID-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के निर्णय अनुसार धनुषा जिला भर निषेधाज्ञा जारी कयल गेल जानकारी देलनि प्रशासन दवाई इलाज एवं आदेश में उल्लेख भेल बमोजिमक अत्यावश्यक काजक बाहेक सर्वसाधारण के घर से बाहर नहीं निकल आग्रह के लिए रात 9 बजे से भिनसर 5 बजे धरि बाट में चल फिर कर समेत रोक लगाओल गेल निषेधाज्ञा में सब प्रकारक सभा सम्मेलन गोष्ठी तालीम सेमिनार सिनेमा हॉल पार्टी पैलेस स्विमिंग पूल शॉपिंग मॉल हाट बाजार मनोरंजन स्थल सैलून ब्यूटी पार्लर जिमखाना समूह में खेल जाय वाला खेलकूद पुस्तकालय संग्रहालय लगातक सब संचालन कर समेत रोक लगाओल गेल विवाह व्रतबंध जेहन सामाजिक कार्य के हक में बेसी में 15 गोटे धरि सहभागी भ स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालना कर सकबाक आ ओ प्रयोजन के लेल बेसी में दूटा छोट गाड़ी आ एकटा पैघ गाड़ी में सुविवाह के बैनर राख संचालन कर सकबाक स्थानीय प्रशासन जनौनी अछि धनुषा में चार राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के प्रतिगामी कदम विरुद्ध एक भ राष्ट्र हित के रक्षा के लेल दृढ़ता पूर्वक आगू बढ़ आह्वान के निछाक सोम दिन जनकपुर धाम स्थित नेकपा माओवादी केंद्र के कार्यालय में नेपाली कांग्रेस धनुषा सभापति महेश शंकर गिरी माओवादी केंद्र धनुषाक सचिव दीपक यादव जनता समाजवादी पार्टी धनुषाक अध्यक्ष पशुपति यादव नेकपा एमाले धनुषाक अध्यक्ष रामचंद्र पंडित के उपस्थिति में भेल असंवैधानिक ढंग से संसद विघटन के कहित घोर भत्सरणा करित एकजुट भ आगू बढ़ आह्वान के अछि बैसार पश्चात जारी कयल गेल प्रेस विज्ञप्ति में कहल गेल अछि राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक प्रतिगमनकारी कार्य के विरुद्ध में एकजुट भ नेपाली जनता के लंबा आंदोलन संघर्ष आ बलिदान से स्थापित नेपाल के संविधान में अंतर्निहित संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र समावेशी लोकतंत्र एवं नेपाल के सर्वोपरि राष्ट्रीय हितक रक्षाक लेल दृढ़ता पूर्वक आगू बढ़ हम सब धनुषा जिलाक संपूर्ण राजनीतिक दल तथा जन समुदाय में हार्दिक आह्वान करै छी नेपाली जनता के लंबा कठोर आंदोलन त्याग आ बलिदान से प्राप्त नेपाल के संविधान ऊपर प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटन क के आघात पहुँचाओल गेल ठहर चार दल के अछि प्रदेश दू सरकार कोरोना संक्रमण के जोखिम से बच संचार कर्मी सभक लेल स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करौलक अछि आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार कर्ण के सोम दिन उस स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करौने छथि स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करबैत मंत्री यादव कोरोना महामारी
में पढ़ कर जान गुमाने संचारकर्मी के परिवारक लेल विशेष सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ कहलनि महामारी से जनता के सुसूचित करा कर संचारकर्मी सब निर्वाह कर रहल भूमिका प्रशंसा योग्य अछि आ ओहि क्रम में किछ संचारकर्मी सब के निधन भेल खबर से हम सब मर्माहत भेल छी। ओ मृतक के परिवार के प्रदेश सरकार सकभर सहयोग करबाक आ ओहि के लेल कैबिनेट में प्रस्ताव से लजा चुकल बताने छन। मंत्री यादव महामारी से बैठक कार्य संपादन कर संचारकर्मी सब के आग्रह समेत केने छन। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति के समन्वय में शुरू कयल गेल स्वास्थ्य सामग्री वितरण कार्य अंतर्गत काल परसु धरि सब जिला शाखा में पहुंच जात आम संचार प्राधिकरणक अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव जानकारी देने छन। मौतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 ख सौ प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित रानी कुमारी तिवारी के भ्रष्टाचारक यात्रा एखनो रुकल नहीं छन। निजी संपत्ति में सरकारी लगानी के ने स्थानीय आरोप लगौने अछि। प्रदेश नंबर 2 में तत्कालीन राजपा से प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित तिवारी सरकार में अपन पहुंच बनबैत पर्याप्त बजट आन सफल भेलि अछि त ओ बजट में व्यापक भ्रष्टाचार कर में सेहो उतबे तल्लीन रहल जकर एक बाद दोसर प्रमाण सब भेटित गेल अछि। जनता के समस्या देखा कर प्रदेश से आनल गेल बजटक 4/3 के 1/3 सेहो काज नहीं क कार्यकर्ता सबके उपभोक्ता समिति में राख मोहतरी में भ्रष्टाचार सामान्य जेहन बनल अछि। पिछला समय प्रदेश सभा सदस्य तिवारी अपन निर्वाचन क्षेत्र भीतर पड़वला एक डाड़ा गांव पालिका 4 स्थित चकवा में रहल एक निजी पोखर में सरकारी पैसा के दुरुपयोग कर रहल देखल गेल अछि। तिवारी जलेश्वर नगर पालिका एक रहनिहार रामापति शाह सूरी आ रामरती शाह के संयुक्त नाम में चकवा में रहल निजी पोखर में देवाल निर्माणक लेल 15 लाख रुपया के बजट देने छन। ओ पोखर धनी के मंजूरी बगैर अनावश्यक ढंग से सरकारी बजट के दुरुपयोग के ने पोखर धनी रामरती शाहक पुत्र राम जतन शाह आरोप लगौलनि। ओ अपना सब पोखर में जथाभावी नहीं कर व्यक्तिगत पोखर अतिक्रमण नहीं कर आग्रह कलाक बादो प्रदेश सभा सदस्य तिवारी अपन पोखर में क्षति पहुंचाने आरोप लगौलनि। ओ अपन निजी पोखर में निर्माण कयल गेल ओ देवाल में 5 लाख से बेसी के खर्च ने भेल दावी केने छथि। ओ कहलनि देवाल निर्माण में 5 लाख से बेसी के खर्च ने भेलाक बादो अइ के लेल तिवारी 15 लाख रुपया के बजट लगानी केने छथि जे काज में पक्के अपन कार्यकर्ता पाल आ पैघ कमीशन एबाक खेल रहल अछि। 12 में बराती लदने 40 गोटे सवार बस दुर्घटना भेला से 19 गोटे घायल भेला अछि। रोथर से विवाहक बराती लऽ कऽ जा रहल बस पारा में दुर्घटना में पड़ल अछि। घायल मध्य 4 गोटे गंभीर आ 7 गोटे मध्यम घायल भेल छथि। ओकर सभक बीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज में इलाज भ रहल अछि। 8 गोटे सामान्य घायल के इलाजक लेल जिला अस्पताल कलैया पठाओल गेल प्रहरी जनौने अछि। सोम दिन भिनसर जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका 16 स्थित कलैया पिलुआ सड़क खंड के डखा कई स्थान में बस दुर्घटना में पड़ल छल। रोथट से विवाहक बराती लऽ कऽ जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका 20 बस डिलवा दिस जाय लागल ना 4 ख 4 7 4 9 नंबर के बस दुर्घटना में पड़ल। जिला प्राधिकरणले 12 प्रवक्ता प्रहरी नाव परीक्षक गौतम मिश्र जानकारी देने छन। हुनक अनुसार बस अपने अनियंत्रित भ सड़क के बाया कात में खेत में पलटल छल। बस में 40 गोटे सवार छल। बस चालक रोथट के चंदिगापुर नगर पालिका 8 रहनिहार 30 वर्षक अमलेश चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि त बसक सह चालक 38 वर्षक मुस्ताक खान के दाया पैर कटायल अछि। घटना के संबंध में थप अनुसंधान आगू बढ़ाओल गेल 12 पुलिस जनौने अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय नेपाल में एखनो 4 हफ्ता कोरोना संक्रमण के जोखिम हैत जनौने अछि। कोरोना संक्रमण के दर स्थिर रहल कहित मंत्रालयक सचिव लक्ष्मण अरियाल एखनो 4 हफ्ता संक्रमण के जोखिम रहल बतौलनि। स्वास्थ्य मंत्रालय आयोजना के ने वर्चुअल पत्रकार सम्मेलन में सचिव अरियाल आगामी 4 हफ्ता में संक्रमण कम हैत कई दावी कलनि। बहुत समय बाद संक्रमण 8,000 से नीचा धरल कहित एखनो किछ हफ्ता स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालना कर पड़बाक में ओ जोर दिलनि। सचिव अरियाल कहलनि लंबा समय बाद आइ 7,220 गोटे संक्रमित देखल गेल अछि। काल्हि धरि सेहो करीब 8,000 के हाराहारी में छल। आब धीरे धीरे कम हैत। सरकार बैसाख 4 गते जारी केने निर्देशन एखनो कड़ाई के संग पालना कर पड़बाक हुनक कहब छनि। विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति जारी केने नागरिकता अध्यादेश फिरता लेब चेतावनी देने अछि। सरकार जनमत के बिना बुझने आ विज्ञ सब संग व्यापक परामर्श नहीं क अपन सत्ता संकट टार लेल
ईएन आनलक कहित पार्टी एहन चेतावनी देने अच सोम दिन पार्टीक महासचिव नेत्र विक्रम चंद विप्लव जारी केने विज्ञप्ति में कहल गेल अच नागरिकता जेहन राष्ट्रीय महत्व एवं जन सरोकारक विषय में निर्णय लैत काल जनमत के बुझ आ विज्ञ सबके व्यापक परामर्श लेव आवश्यक भेलाक बादो ओहन कर के बदला में सरकार अपन सत्ता संकट टार कुर्सी बचाव आ ककरो खुश करबाक लेल मात्र एहन निर्णय ले त ओय के मूल्य सिंगल देश के चुकाव पड़त विज्ञप्ति में कहल गेल अच अंत हमर सबक पार्टी ओहन राष्ट्र हित विपरीत कार्य नहीं होय ओहन निर्णय खारिज कैल जा के चेतावनी केपी ओली सरकार के देव चाहत अच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबंधन पेश के रिट सर्वोच्च अदालत में दर्ता भेल अच नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा नेकपा एमालेक नेता माधव कुमार नेपाल आ जसपाक नेता उपेन्द्र यादव सहितक नेता सब सोम दिन रिट दर्ता करौने छथि रिट दर्ता कयल गेल सर्वोच्च अदालतक संचार विज्ञ किशोर पौडेल बतौलनि रिट में चार राजनीतिक दलक 146 गोटे सांसद हस्ताक्षर केने छथि मंत्रिपरिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति असंवैधानिक तरीका से संसद विघटन केने दावी करैत गठबंधनक सांसद सब शेरबहादुर देववा के प्रधानमंत्री में नियुक्त करब मांग केने छथि मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जेठ 7 में प्रतिनिधि सभा विघटन केने छली राष्ट्रपति धारा 76(5) अंतर्गत के सरकार गठन के लिए आह्वान केलाक बाद 149 सांसद के बहुमत हस्ताक्षर सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा प्रधानमंत्री में दावी केने छलथि प्रधानमंत्री ओली सेहो पुनः अपना के नियुक्त कर दावी केलाक बाद राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा विघटन के लिए अछि कोरोना संक्रमण के कारण नेपाल प्रहरीक एक गोटे डीएसपी के मृत्यु भेल अछि मृत्यु भेल में प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल में कार्यरत डीएसपी समीर चंद्र खरेल रहल छथि प्रहरी अस्पताल महाराजगंज में इलाजक क्रम में खरेल के सोम दिन मृत्यु भेल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल जनौनी अछि संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में जाकर घुरल पछिला समय प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल में कार्यरत छलथि इससे पहिने प्रहरी अस्पताल में काठमांडू प्रहरीक डीएसपी राजकुमार केसी के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छल बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबे हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा देखत रही टीवी टुडे नमस्कार।